Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 13 of your English grammar book and the name of the lesson is connectives. आज हम आपके English grammar book के lesson number 13 को पढ़ेंगे और lesson का नाम है connectives. Connectives means संयोजी, यानी जो connect करते हैं. So now we will Start the lesson, listen carefully and try to understand. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. So let's start. Connectives or conjunctions are the words which connects words, phrases or sentences. ये जो connectives और conjunctions, संयोजक या संयोजन वे शब्द हैं जो शब्द यानी वर्ड्स, वाक्यांश यानी फ्रेजेस या वाक्य यानी सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. इन फैक्ट देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो लाइक रिलेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस व्हिच कनेक्ट बट दे डू समथिंग मोर देन दिस. वास्तव में यानी असल में रिलेटिव क्रिया विशेषण और रिलेटिव सर्वनाम जैसे अन्य शब्द भी है जो जुड़ते हैं लेकिन वे इससे कुछ अधिक करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू ए नाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई ए वर्ब बिसाइड्स कनेक्टिंग क्लॉजेस. जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एक संज्ञा से संबंधित होते हैं और रिलेटिव एडवर्ब्स उपवाक्य यानी क्लॉजेस को जोड़ने के अलावा एक क्रिया को संशोधित यानी मॉडिफाई करते हैं. कनेक्टिव्स डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज कनेक्ट. जो कनेक्टिव्स होते हैं वे केवल एक ही काम करते हैं और वो है कनेक्ट करना यानी कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट कनेक्टिव्स आर मेनली ऑफ थ्री काइंड्स. ये जो संयोजक होते हैं संयोजक कनेक्टिव्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ कनेक्टिव्स वन बाय वन. अभी हम एक एक करके ये सारे तीन प्रकार को सीखेंगे. सो नंबर वन coordinating connectives hai na coordinating connectives. These are the connectives which connect the words phrases or clauses of equal rank. ye ve sanjak hai jo saman rank ke shabd words vakyans and phrases ya clauses ko jodte hain coordinating connectives. So see here examples ko dekhiye. Cricket and football are equally famous in England mein cricket aur football saman roop se prasiddh hai. Yahan pe jo and is the coordinating connectives hai na and jo hai wo coordinating connective hai जो कि एक ही प्रकार के एक ही रैंक के क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेल है और उनको क्या करता है वो जोड़ता है. द नेक्स्ट वन दीपू इज़ वेरी रिच बट रामू इज़ वेरी पोअर. दीपू बहुत अमीर है लेकिन रामू बहुत गरीब है. हियर द बट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. नेक्स्ट वन You get a glass of water for me or I shall go from here. तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ या मैं यहाँ से चला जाऊँगा. Here or is the coordinating connective. Next one, he must have studied very hard for he has got very good marks. Here the for is coordinating connective. यानी उसने बहुत कठिन अध्ययन यानी पढ़ाई किया होगा क्योंकि उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं. यहाँ पे फोर जो है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. एंड द नेक्स्ट
Second kind, subordinating connectives. Subordinating connectives. These are the connectives which join a principal clause to a dependent clause. ये वे संयोजक है जो एक प्रमुख क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज में जोड़ते हैं. दो क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. तो ये क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं. सी द एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है. देखिए, आई शैल अटेंड द मीटिंग इफ आई गेट फ्री फ्रॉम माई क्लास. अगर मैं अपनी क्लास से फ्री हो गया तो मैं मीटिंग में भाग लूँगा. सो हियर द प्रिंसिपल क्लॉज इज, यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ये है, आई शैल अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग में अटेंड करूँगा. ये पूरा सेंटेंस अपने आप में काफ़ी है. यहाँ पर दो सेंटेंस है, If I get free from my class, I get free from my class है वो है dependent clause. ये अपने आप में पूरा नहीं है, तो इसको इसके साथ जोड़ने के लिए हम बीच में क्या लगाएं, if. So here the if is subordinating connective. यहाँ पे जो if है वो subordinating connective है. The next one, he didn't come to the party though he was willing. इच्छुक होने के बावजूद वो पार्टी में नहीं आया. सो हियर दो इज सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. नेक्स्ट वन, आई हैवन्ट मेट हिम सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज. जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है मैं उससे नहीं मिला हूँ. सो हियर सिंस. द नेक्स्ट वन, He has worked faster than I expected. उसने मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से काम किया है. Here then. Then is the subordinating connective. And the next one, Akbar left the job because he wanted to start his own business. अकबर ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था. सो हियर बिकॉज इज द सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. द नेक्स्ट वन, निक्षित इज वर्किंग इंस्पायरिंगली सो दैट ही मे सक्सीड इन विनिंग द मेडल. हियर इन दिस सेंटेंस सो दैट इज द सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. The next one, Akshit spoke so confidently that Kautilya felt outsmarted. In this sentence, we have two subordinating connectives. First one is so and the next one is that. And the next few more examples of subordinating connectives. Yahan pe aur kuch examples diya gaya hai. Go where you get respect. Where? जहाँ सम्मान मिले वहाँ जाओ. वेर इज़ द सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. एंड द नेक्स्ट वन, यू कैन रीच देयर बाय इवनिंग प्रोवाइडेड यू स्टार्ट क्वाइट अर्ली. हियर द प्रोवाइडेड इज़ द सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टिव. एंड द नेक्स्ट वन, आई लर्नड हिम माय पेन सिंस ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड. इन दिस सेंटेंस सिंस. एंड द नेक्स्ट वन, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप डाउन. Here the last is subordinating connective. इसका मतलब सावधानी से चले, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिसल जाए. तो ये दो सेंटेंस है और पहला वाला work carefully is the principal clause and you should slip down is the dependent clause. तो यहाँ पे जो बीच में last है वो होता है subordinating connectives. The next one, third kind, correlative conjunctions. Correlative conjunctions. These are the conjunctions which are used in pairs. ये ऐसे संयोजन है यानी conjunctions है जिनका उपयोग जोड़ने में किया जाता है. इनका क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है. See the examples. The party has failed both in words and action. पार्टी शब्द और कार्य दोनों में विफल रही है. सो हियर
both and end. These two are correlative conjunctions. And the next, Nishank has not only lost his health but also efficiency. In this sentence, not only and but also. निशांक ने ना केवल अपना स्वास्थ्य बल्कि दक्षता भी खो दी है. द नेक्स्ट वन, रॉबिन विल गो ईदर बाय ट्रेन और एरोप्लेन. ईदर और. नेक्स्ट वन, सत्विक हैज डन नीदर द वर्क ऑफ मैथ नॉर इंग्लिश. यहाँ पे नीदर नॉर. सत्विक ने ना तो गणित का काम किया है और ना अंग्रेजी का, है ना. नीदर नॉर. द नेक्स्ट वन, ही इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बट द पर्सनल असिस्टेंट टू सीएम. यहाँ पे वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के, है ना, वो सीएम के, चीफ मिनिस्टर के निजी सहायक है. हियर नॉट एंड बट. These two are correlative conjunctions. The next one, I do not care whether you come or not. Whether or. These two are correlative conjunction. Tum aao ya na aao, mujhe farak nahi padta. The next one, no sooner had he stepped out of the house than it began to rain. In this sentence, फर्स्ट वन इज नो सूनर एंड देन सेकेंड वन इज देन. जैसे ही वो घर से बाहर निकला था बारिश शुरू हो गया. इन दिस सेंटेंस नो सूनर एंड देन आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, द मोर यू स्टडी द मोर यू वॉन्ट टू राइट. इन दिस सेंटेंस द मोर एंड the more, these two are correlative conjunctions. जितना अधिक आप अध्ययन यानी पढ़ाई करते हैं उतना ही अधिक आप लिखना चाहते हैं, है ना. जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको लिखना है. the more and the more, these two are correlative conjunctions. So in this video we learned about the meaning of the connectives and the kinds of connectives. इस वीडियो में हम connectives का मतलब क्या होता है और connectives कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ाई किया. So watch the video carefully and try to understand the lesson. Thank you.